हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखेंगे कि एफपीएस के बारे में, एक एफपीएस होता क्या है, आपके जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें एफपीएस कैसे काम करता है। तो एफपीएस बेसिकली जो होता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। मैं आपको अगर ये कहूँ कि आपका जो कैमरा है वो कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है, ये आप कैसे बोल रहे हैं, आपको मतलब क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो जो फीचर्स होता है, बहुत सारे फीचर्स को एक साथ जोड़ के ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। मैं एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। आपने अगर पुराने मतलब पहले देखा होगा बुक्स के मंदर, मतलब बुक्स में एक या फिर पेज ले लीजिए, उसके अंदर एक जो डॉल का पिक्चर, मतलब पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसमें बारीक से पिक्चर ड्रॉ किया हो जाता है, ठीक है, 1 2 3 4। फिर उस खाते को या फिर बुक्स को जब बार बार खोलते हैं तो वो पिक्चर मूवेबल होता है, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं भी आपने देखा ही होगा। तो वैसे ही अगर ये जो 20 FPS होता है, 25 FPS होता है, 60 FPS होता है, ये होता क्या है, ठीक है, FPS कैसे काम करता है। बेसिकली FPS जो होता है फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है, मतलब आपका जो कैमरा, आपने फोटो खींचा है, ठीक है, तो आपने एक क्लिक के एक फोटो खींचा, FPS में क्या होता है, मतलब 25 FPS, मतलब, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो कैमरा होता है वो सेकेंड में 25 बार वो फोटो, सेम फोटो खींचता है। मान लीजिए एक हाथ है, ठीक है, ठीक हाथ है, तो इसमें अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने तक ये फोटो खींच टिक 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 करके खींचता जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड में मान लो मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक लेके, मतलब 5 सेकंड हो गया, ठीक है, 5 सेकंड में आप तक गया, 5 सेकंड में वो 25 x 5 इतना टाइम फोटो खींचता है, ठीक है, मतलब 125 बार फोटो खींचता है। तो उसको जब आप प्ले करेंगे वो 30 FPS पे ही प्ले होगा, तो उस हिसाब से आपका वीडियो है, वीडियो आउटपुट होता है। तो मतलब जितना ज्यादा आप ये समझिए कि जितना ज्यादा FPS आपका होगा, ठीक है, मान लीजिए 25 FPS है, नॉर्मली आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है वो 25 FPS होता है, या फिर 30 पे भी होता है। तो अगर 30 FPS वो स्टैंडर्ड है, अगर आपका स्मूथ रियलिस्टिक चाहिए तो आप 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और 60 FPS में जो एक्शन कैमरा DSLR वगैरह होता है उसमें होता है, उसमें स्लो मोशन में होता है। आपको मोबाइल में मतलब 60 FPS हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट 60 FPS जो नए फोन आ रहे हैं उसमें होगा। तो आप यूट्यूब में जाइए, उसमें 60 FPS का एक वीडियो प्ले करिए, आपको रियलिस्टिक लगेगा। 60 FPS है मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो मतलब आप जो वीडियो प्ले करेंगे तो उसका अगर 60 FPS पे प्ले करेंगे तो वो वीडियो बहुत ही रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया FPS होता क्या है। तो आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि FPS मैं कैसे सेट करूं, मेरे जो स्लो मोशन कैमरा होता है वो कैसे, स्लो मोशन मतलब जितना ज्यादा फ्रेम का रेट होगा, मतलब स्लो मोशन नॉर्मली 125 फ्रेम पर सेकंड में काम करता है, मतलब आपका कैमरा है सेकंड में 120 बार फोटो खींचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका स्लो मोशन मजा आएगा, उतना जब अगर 120 के नीचे आएंगे फिर उतना मजा नहीं आएगा। तो 120 में, 120 पर FPS में आपका स्लो मोशन होता है। अगर आपने देखा होगा कि 1000 FPS, 500 FPS वो बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरे में होता है, जो आपका नॉर्मल एक्शन कैमरा होता है हेलमेट वगैरह माउंट करते हैं उसमें 100 120 FPS तक होता है, बट उसका क्वालिटी का मतलब डाउन हो जाए, 720p में वो रिकॉर्डिंग कर पाता है। तो अगर आपने मुझको ये कमेंट करना कि मेरा जो नॉर्मल वीडियो है मैं उसको स्लो मोशन में कैसे काम करूँ, स्लो मोशन में मतलब अगर कन्वर्ट करना है आपको FPS बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लो मोशन में वगैरह इतना सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर है प्ले स्टोर में, स्लो मोशन वीडियो इफेक्ट्स उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको खूब मजा नहीं आएगा, तो मैं कुछ सजेस्ट भी नहीं करूंगा। तो अगर आपका स्लो मोशन करना है वो आपको कैमरा से ही करना पड़ेगा, महंगा कैमरा एक्शन कैमरा में भी हो जाता है, तो वो कुछ 5 5.5 हज़ार के अंदर 4 हज़ार अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि FPS होता था। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, देखते हैं किस में बात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के लिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, वी सी इन द नेक्स्ट वन।